नामी सेलेब्स एक साथ नजर आए इंडिया के एक विमेंस फैशन मैगजीन के फिफ्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इवेंट पर। आइए देखते हैं इसके रेड कार्पेट इवेंट पर किन सेलेब्स ने शिरकत की। के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा का न्यू सीजन हाल ही में लॉन्च किया गया और इस इवेंट में नजर आए सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन, म्यूजिक कंपोजर डियो साजिद वाजिद और इंडियन ओशन बैंड के सिंगर राहुल राम, जो कि इन सब के साथ इस शो के जज बने हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइज किए हुए सिंबॉलिक पीस बेल इवेंट को अटेंड करते हुए देखा गया। न्यूयॉर्क में हुए इस इवेंट में ऐश के साथ साथ हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस भी शामिल हुए। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इस बात को लेकर काफी प्रिविलेज्ड फील कर रही हैं कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने हेमा जी के ऑनर में एक स्टैम्प रिलीज करने का फैसला किया है। सनी लियोनी, जो कि बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ मुंबई के एक होटल में रह रही हैं। सनी को घर की तलाश तो है, जिसके लिए उन्होंने टॉप एस्टेट एजेंट से मदद भी ली, मगर कहा जाता है कि कई हाउसिंग सोसाइटीज सनी जैसी अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस को रेंट पर घर देने के लिए थोड़ा झिझक रहे हैं।